दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाली हूँ जिसके ऊपर का ये फ्लैग हवा के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। जी हाँ, जो कि इम्पॉसिबल है। और ये क्यों होता है ये आज तक किसी को भी नहीं पता। इतना ही नहीं, इस मंदिर में हर रोज एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही प्रसाद बनाया जाता है और यहाँ हर रोज 10 से 20 हजार भक्त आते हैं। और अगर कभी विजिटर्स बढ़ भी गए, फिर भी इस मंदिर में प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। यहाँ तक कि आज तक कभी वेस्ट भी नहीं हुआ है। चलो, तो आज मैं आपको इस मंदिर के कुछ ऐसे ऐसे मिस्ट्रीज बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप भी चौंकने वाले हो। और दोस्तों, फेस रिवील के लिए आप कितने एक्साइटेड हो ये तो मुझे पता है, पर फेस रिवील मैं तभी करूंगी जब हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी वीडियो शेयर करके कर दो ना 1 मिलियन। ओडिशा स्टेट में स्थित पुरी नाम के सिटी में जगन्नाथ नाम का टेंपल है, जो कि हिंदू लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर माना जाता है, जहां विष्णु के रूप में जगन्नाथ देवता बसे हुए हैं। आज का ये मंदिर 10th सेंचुरी में बनाया गया था और तब से इस मंदिर में कुछ ऐसे ऐसे मिस्ट्रीज छुपे हैं जिन्हें आज तक कोई साइंटिस्ट भी नहीं बता पाया है। चलो तो देखते हैं ये मिस्ट्रीज हैं क्या। नंबर 1, इस मंदिर के टॉप पर सुदर्शन चक्र बिठाया गया है जो कि 20 फीट का है और उसका वजन करीब 1 टन है। इस चक्र की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चक्र आपको पूरी सिटी में किसी भी कोने से दिखेगा। और ये चक्र कुछ इस तरह से बिठाया गया है कि जहां से भी आप इसे देखोगे आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कि उसकी फेसिंग आपके तरफ ही की गई है। अब इसके प्लेसिंग के पीछे क्या मिस्ट्री हो सकती है वो आज तक एक मिस्ट्री ही है। नंबर 2, ये बात सुनकर तो आप सच में चौंकने वाले हो, इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पंछी, यहाँ तक कि कोई प्लेन भी नहीं उड़ता। जी हाँ, और ये सच में काफी अजीब बात है। अब इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है ये कोई नहीं जानता। नंबर 3, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस मंदिर के टॉप पर एक फ्लैग है जो कि हवा के उल्टे डायरेक्शन में बहता है। तो ये फ्लैग एक पुजारी इस मंदिर के टॉप पॉइंट पर चढ़कर हर रोज बदलता है, जो कि करीब 45 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा तो होगा ही। ये रिचुअल 1800 साल से किया जा रहा है और ऐसे माना गया है कि अगर इस रिचुअल का एक भी दिन मिस हो गया तो अगले 18 सालों तक ये मंदिर बंद किया जाएगा। नंबर 4, इस मंदिर में 4 दरवाजे हैं, जिसमें से सिंह द्वारम सबसे मुख्य दरवाजा है जो कि मंदिर का एंट्रेंस है। तो जब भी आप इस दरवाजे से गुजरते हो तो आपको लहरों की क्लियर आवाज सुनाई देगी और जैसे ही आप ये दरवाजा पार करते हो तो वो आवाज अचानक से ही रुक जाती है। अगर आप फिर से उल्टे डायरेक्शन में आने की कोशिश करोगे फिर भी आपको वो आवाज सुनाई नहीं देगी। यहाँ तक कि आपको बस वो सिंह द्वारम दरवाजा छोड़कर वो लहरों की आवाज पूरे मंदिर में कहीं भी सुनाई नहीं देगी। अब इसके पीछे क्या रहस्य है ये कोई नहीं जानता। नंबर 5, इस मंदिर में बांटा गया प्रसाद एक ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है, जहाँ एग्जैक्टली 7 पॉट्स लिए जाते हैं और फिर एक चूल्हे पर वो 7 पॉट्स एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जो पॉट सबसे ऊपर होता है उसमें का खाना सबसे पहले कुक होता है और फिर बाद में लाइन वाइज उसके नीचे के पॉट्स कुक होते हैं। क्या आपको इन मिस्ट्रीज के पीछे का साइंस पता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।